For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. बात की जाए अगर सूर्यवंशी की, इस साल की one of the most awaited films है, 2020 की most awaited films में से एक है सूर्यवंशी, जहां पर अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ एक लंबे अरसे बाद वापस से एक फिल्म में नजर आएंगे साथ में, और उसके बाद सबसे स्पेशल चीज है रोहित शेट्टी का डायरेक्शन. जी हाँ, रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं, सो ये भी अपने आप में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सूर्यवंशी के साथ एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड होने वाला है, और वो ये है कि राधे का टीजर. जी हाँ, राधे भी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स है 2020 की. बात की जाए अगर तो ईद पर रिलीज हो रही है राधे, लेकिन उसके टीजर को बात की जा रही है रिलीज करने की सूर्यवंशी के साथ. अब मैं बता दूं आपको कि जैसा हम सभी जानते हैं, सूर्यवंशी जो है वो 24 मार्च को थिएटर्स में आने वाली है, यानी कि 24 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर्स में, जिसके साथ अटैच किया जाएगा राधे के टीजर को, ताकि फैंस में क्रेज और भी ज्यादा बढ़ जाए और पहली बार फैंस को टीजर देखने को मिलेगा जब फिल्म देखने जाएंगे वो सूर्यवंशी. तो यहाँ पर अब डबल फायदा हो चुका है सूर्यवंशी के मेकर्स को भी और सलमान खान को भी, क्योंकि जब सलमान की फिल्म का टीजर अक्षय की फिल्म के साथ लगा होगा तो जो अक्षय के फैंस हैं वो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो सलमान के फैंस हैं वो टीजर देखने के लिए अक्षय की फिल्म देखने जाएंगे. तो ये एक बड़ा ही स्मार्ट मूव किया है मेकर्स ने अपनी तरफ से. एंड बात की जाए अगर रोहित शेट्टी की, तो सलमान की भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, रोहित हो गई या कैटरीना हो गई या अक्षय कुमार हो गए, तो सभी के साथ, तो ऐसे में ये डिसीजन लेना तो बनता था. तो ये तो भाई सॉलिड बात हो गई. अब इस पर आप क्या कहेंगे, राधे के टीजर के लिए कितना एक्साइटमेंट है, या आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में. This is Jyoti Nahak, signing off.